शायद दो दिन को एक बार तो रुद्रचंडी हवन हुआई है आश्रम में, अब किसी को भी पूछ लेना, आज तक पूरे एक साल में जब तक कोविड गुजरता रहा रोज दो दिन या तीन दिन के एक बार रुद्रचंडी हवन होता रहा, और केवल मेरे को पैसे कमाने की इच्छा होती तो आज करोड़पति मिलता, लेकिन मेरी दृष्टि एक ही थी, किसी का कभी नाम लेता था रुद्रचंडी हवन होना चाहिए, उसका भस्म मैं वहां रखता था, और आज आप सभी को अगर देख रहा हूँ तो यही कारण है कि इस कारण से आपको उसके बाहर निकालकर यहाँ तक लाया हूँ, और मैं आज आगे भी करूंगा। मेरा यही इच्छा है कि मेरा जो आदमी मेरा कहलाया जाता है उसके जीवन में कोई दुख ना, उसके जीवन में किसी प्रकार के असंतुष्टि ना। तो जिस साधना को करने के बाद विद्यारण्य स्वामी ने स्वर्ण वर्षा करवाई थी, जिस पोत्र को पढ़कर आयुष शंकराचार्य ने स्वर्ण निर्मित किया था, स्वर्ण का अर्थ होता है सवर्ण, आपके जीवन में जो भी बीमारियां हैं वो निकल कर आप अच्छे वर्ग के हो जाए, अच्छे शरीर को आए तो उसको प्राप्त हो जाए, उसे स्वर्ण का गया तपस्या की, बहुत तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या में जब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा उनको वर देना, वर मांगना था, तो इंद्र को पता चला कि वो अभी कुंभकर्ण साधना में सिद्धि में क्या था, क्या कह रहा है, मुझे इंद्र की पत्नी चाहिए, इंद्र का स्थान चाहिए, इंद्र के स्थान को देने में मांगने वाला है। भागते हुए इंद्र गए, प्रभु अगर कुंभकर्ण मेरा स्थान मांग लिया तो मैं तो गिर जाऊंगा, मेरे से कुछ बात, मेरे पास रहने का कुछ नहीं रहेगा, कुछ ऐसा करो। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ यार, तो ऐसी मेरी पत्नी है सरस्वती, तुलसी प्रार्थना कर, माता सरस्वती माता आप तो विद्यावान है, कुछ तो करो, कि कुंभकर्ण अगर इंद्र का स्थान मान लिया, इंद्र का आसन मान लिया तो मैं तो दया काम से तो इंद्र का आसन मांगने वाला, ऐसा ही मैंने सुना है। तो माता सरस्वती अब तू बेफिक्र हो जा, मैं उसका निर्माण करती हूँ। जब ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुए तो सरस्वती जाके उनकी जीव पर खड़ी हो गई, वो इंद्रासन के बजाय निंद्रासन का किया और खाली रास होता रहा। अपने मांगने में भी गलती होती है, हम सोना मांगे तो सोना हो सुना या सुने का सुना, आपके मांगने में विचार तत्परता होती है, हम उस तरह मांगने के लिए हमें मांगने भी आना चाहिए, हम मांगते समय किस प्रकार मांगे ये लिखा। और आपको पता है कुंभकर्ण कभी नहीं सोता था, निंद्रासन हो गया इंद्रासन के बजाय निंद्रासन हो गया और सोता रहा, तो मांगने की कई मांगे का कई मांगे होता है। स्वर्ण का अर्थ होता है कायकल्प होना, स्वर्ण का अर्थ होता है शनि की प्राप्ति करना, स्वर्ण का अर्थ होता है कायकल्प की प्राप्ति करना, स्वर्ण का अर्थ होता है इस संसार में देवता तत्व का पाठ करना, क्योंकि देवताएं अमृतपान करने के बाद वो स्वर्ण में होते हैं, उनका रंग स्वर्ण में होता है, इसलिए वो भी स्वर्ण का है, स्वर्ण देवताएं का है, इसी प्रकार स्वर्ण का साधना इसमें साधना कहलाई गई। अभी सच बात तो ये है कि स्वर्ण वाक्य साधना का यंत्र बनाते समय उसने तो आर्डर किया था बहुत बनाने के लिए, उस यंत्रकर्ता ने कहा कि प्रभु जितनी ही यंत्र बने हैं इतने ही यंत्र हो सकते हैं, इससे ज्यादा मैं सहयोग नहीं हो सकता, अब गुरु पूर्णिमा के बाद बोलो तो मैं करके दूंगा। अब मैं बोला ये साधना गुरु का दायित्व, तू बोल कितने दे सकता है, बोला मेरे पास भैया उसने जो दिया मैं उसको सकता हूँ, तुम एक ही साधना इतने ही यंत्र को देखते हैं, अब इस यंत्र में यंत्रों की साधना बोल रहे, इस यंत्र की स्थापना करने से घर में अगर होता है, मैंने जैसा कहा कि अगर हम कभी समय मिले और यहाँ अगर हमारे कंटे से जंगल में दूर भोलापुर नाम का एक छोटा सा कल्पा है, वहाँ एक पीला पीला वृक्ष है, वो स्वर्ण का अर्थ यूज किया जाता है, कभी स्थिर हुआ तो मैं जरूर आपको वहाँ घुमाऊंगा और उसकी महत्ता भी बताऊंगा। अगर वो स्वर्ण कहते हैं साधना संपन्न करते हैं तो वहाँ हम उससे इस बात को उसके जीवन में किसी प्रकार की स्वर्ण की कमी नहीं होती, ऐसा कहा गया है स्वर्ण कहीं पा जाता है। तो मैं वो साधना आप सभी को प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन साधना सुबह संपन्न करना है। आज जो गुरु मंत्र की अपनी 10 मालाएं संपन्न की है वो मालाएं कल सुबह आप 20 मालाएं संपन्न करेंगे, उसके बाद मैं उस प्रणाम करते हैं जिस साधना आपको प्रदान करूंगा, इसलिए कि आप सक्षम और सदृढ़ और सावधान होकर मेरे सामने आए, आप भी ऐसे ही आश्रम की स्थापना करें, हजारों लोगों को खिलाने की सकते थे, एक फैमिली के लिए करते नहीं करते ऐसे मैं हजारों लोगों को खिला रहा हूँ, उसके लिए क्या करें, हजारों लोगों को संभाल रहा है उसके लिए क्या करेंगे, ये शक्ति आपको प्राप्त हो, आपको लोग देख सकें कह सकें कि डॉक्टर मैडम कुमारी सदुरे काम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है, वो तक तो आपने जब तक नहीं आया तब तक आप रेस्ट नहीं कराएंगे, जो आपके लिए तो जीने के लिए ही तड़पते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए क्या सहायता कर सकते हैं, जो अपने आप को देखने सकते हैं बीमार तो दूसरों को बीमार क्या दूर कर सकता है, मेरे पास
दूसरों की क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं ही कमजोर हूँ तो दूसरों की क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि सेवा साधना और गुरु के प्रति निष्ठा श्रद्धा जो होते हैं उनके लिए भी इस तरह का क्या साधना है, और जिस तरह का क्या साधना का लिंक अपने पास रखते हैं वो लोग केवल आज रात में उस तरह का क्या साधना का लिंक देकर ऋण मनाना इस मंत्र पर केवल 11 बार जब जब तक आप पूरा कर लो उस साधना का पूर्ण विधान मैं कर सुना आपको 20 माला इस गुरु मंत्र की साधना होने के बाद भी प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि आपको साधना में सिद्धि प्राप्त करना है तो इस साधना को जरूर संपन्न करना है। और आपको मैं आने वाले जब भी आप मुझे मिलेंगे मैं आपको धनवान से धनवान ऐश्वर्यवान आरोग्यवान और सामर्थ्यवान कहना चाहता हूँ। इसलिए इस साधना को आपको किसी ने नहीं दिया, पहली बार मैं आपको इस साधना को संपन्न करवाने दे रहा हूँ। और केवल जो साधना नहीं कर सकते इस सेंटर को घर में रहकर हर पूर्णिमा के दिन कमल का पूजन कराते हैं तो उस घर में धन का अभाव होगा ही नहीं, धन पुत्र को कभी नहीं होगा। तो इसका कमल का पूर्णिमा के दिन जगाना जिसको साधना नहीं होती केवल इंद्र की स्थापना मात्र से होता है। मैं 20 मिनट का समय देता हूँ, थोड़ा इंद्र को लेकर आप आएगा मैं उसका ध्यान बताऊंगा। सत्य नहीं डरा एक भजन सुनाए जो गुरु जी के चरण से फूल गया है उसको यंत्र पर चढ़ाकर अपने दोनों हाथ में पकड़ लो। अभी यहाँ के ब्राह्मण पुरोहित जो है आचार्य जो है आपके श्री यंत्र का श्री सूत्र का और लक्ष्मी सूत्र का पाठ करेंगे। आप दोनों हाथों में यंत्र पकड़ लो। मैं आपके पहले बताया कि इस यंत्र को किस तरह करना है, हाथ उल्टा करना है, ऊपर यंत्र के बाएं हाथ पे रखना, बाएं हाथ पर यंत्र उसके ऊपर रखना, लेफ्ट हैंड के ऊपर यंत्र रखो और राइट हैंड उसके ऊपर रखो। जो जिन्होंने स्वर्ण खाते हैं यंत्र लिया है तो सुबह गुरु चरणों का फूल लेकर चढ़ाए, पहले लक्ष्मी का ध्यान स्वर्ण खाते हैं का ध्यान पढ़ा जाएगा, उसके बाद में श्री सूत्र और लक्ष्मी सूत्र पढ़ा जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।